जय रघुनाथ जी के साथ किसान उन पर भी नहीं रहे अधिकारी। मांकाल राजा का ब्याह की हुई रही तैयारी। दीवा लगाड़वा के जुटेगा लोग देखेगी दुनिया सारी। न्यू झुंड लेके आयो हूँ नरी सारी। चलो मनाए आज का गणपति। एक और बात, न्यू झुंड जरा कम शेयर हुई रही है। समीचार में मजा आ गया हो तो इके जम के शेयर कर दो। किसान का पूत आई जो मान दे विकल्य मान अजीर्ण एबड़ाउन वास्ते आधा जिन आधा भूत। मालूम होता सोता कोई बमर माल का छत्ता का माय हाथ भरे तो विक्य थम कई कोगा। बुधवार दफोरिम विक्रम कीर्ति मंदिर पे उद्यान के विभाग वाला उनकी एक कार्यशाला चली रही थी। एक में अधिकारी उनने तो किसान भाई उनका ऊपर ज्ञान सरकार जब किसान सवाल करवा लगी गया तो बिड़नावा लगी गया। उद्यानिकी वाला उनकी विक्रम कीर्ति मंदिर में दो दिवसीय कार्यशाला चली रही है। कार्यशाला का माय बड़नगर कने अजड़ावदा का किसान डॉक्टर योगेंद्र कौशिक जी ने प्याज का उत्पादन ने प्रसंस्करण कर लिया कई सवाल उन दागी दिया। आई सवाल उठाना हुआ न वही उद्यानिकी का संयुक्त संचालक आशीष कणेश जी बड़की गया। बिनक्या ने ई अंदाज में जनक कोई सड़क चलता बात करी रहा है। चार किताब पढ़े अधिकारी जी के यो नहीं मालूम कि जिन पे बिन नहीं रहा विन को चार चार यूनिवर्सिटी उन खाली किरसानी का मामला में सम्मान करी चुकी है। बस याज बात बिगड़ी की कार्यशाला में बैठा सगड़ा किसान उन उठी कंड जावा लगी गया। दूजा अधिकारी उन हाथ पग जोड़ी विन के रोकिया। संयुक्त संचालक जी तो किसान उनको गुस्सा देखी कर सन्न हुई गया। चुपचाप गाड़ी मंगाई न खिसकने में भले ही मानी। केसुनी का एक भाजपा का नेता जी भी यहाँ किसान छोड़ अधिकारी उनको पक्ष लेता रहा। अपना उत्पादन डबल कर दिया हो तो हम कर रहे हैं। आपने अपनी आय डबल कर दी हो तो चलो चलो आप बैठिए। अरे इनसे बात कर रहे हैं। पहले आप यही बता दो हमें तो उस कार्यशाला में हमने कुछ प्रश्न किए कि भैया अगर कोई वैल्यू एडिशन करना चाहता है किसान तो उसको प्रशिक्षण कहाँ से होगा, क्या होगा, कितने किसानों का प्रशिक्षण होगा। इस प्रकार हम उपसंचालक उद्यान की से बात कर रहे थे और इसी बीच में संयुक्त संचालक कनेश जी जो आए और उन्होंने कहा आप माहौल बिगाड़ रहे हैं, क्या आप 50 किसान लेके आए? बदतमीजी से और गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करोगे तो फिर यहाँ ऐसे अधिकारियों की उज्जैन में ज़रूरत नहीं। उनका ये कहना था कि आपने यूनिटी जिले में कम लगी है तो उसका क्या कारण रहा, तो उसमें हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब थे तो उन्होंने उनसे ये कहा कि देखिए कौशिक जी, आप इसमें हमें जितने भी किसान ला के देंगे उनके हम सबके लोन सेंक्शन करा देंगे, इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं होगी। इलाज कार्यक्रम की एक और हिट। कार्यशाला वास्ते 10:30 बजे से किसान उनके गेरिलियन खावा का नाम पे बासण पिलावा का नाम पे ज्ञान बांटो। दफोरिम कोई 2:30 बजे रोटा खवा लिया। इना विभाग वाला उन खाली रोटा बांटवा में जी लेट न तिपनी है। उद्यानिकी का अधिकारी उन जिला का किसान उनको कितना बड़ो करी रहा इको अंदाजो आप इस साइड लगाई लो कि गया 3 साल में खाली 16 किसान उनके लोन दे सकिया है। लो साहब, मांकाल राजा का ब्याह की सालगिरह नजीक आई गई है। राजा जी का दरबार में रोज कहीं ना कहीं अनुष्ठान चली रहा। रोज तरह तरह का सिंगार हुई रहा। हल्दीन चंदन को लेप हुई रहा। ढोल नगारा बजी रहा। 18 फरवरी के शिवरात्रि का दंड कोई 5 से 7 लाख लोग उन यहाँ दर्शन करवा आवेगा। अणि हिसाब से मंदिर में अभी से तैयारी शुरू हुई गई है। बाबा महाकाल के विवाह के उपलक्ष्य में आज 6वां दिन है जिसमें हम समस्त महिलाओं के द्वारा मेहंदी की रस्म निभाई जा रही है, हल्दी की रस्म निभाई जा रही है और आज विशेष रूप से हम सखियों ने मेहंदी लगाने की रस्म की है, बाबा को भी मेहंदी लगाई है और हम लोगों ने भी सभी सखियों ने मेहंदी लगाई है।
शिवरात्रि के सांझा दीवा लगाड़वा कार्यक्रम की जोरदार तैयारी चली रही है। रामघाट ने हरे मेरा का पांच घाट उन पर हाई पेंट से 8,000 ब्लॉक उन मांडवा चल्लू ही गया। इना एक एक ब्लॉक का माय 225 दीवा रखाएगा। एक ब्लॉक पर खड़ा हुआ वाला दो जना रहेगा। ऐसा 50-50 ब्लॉक उन पर एक एक सुपरवाइजर तैनात रहेगा। हर 10 सुपरवाइजर का ऊपर एक सेक्टर प्रभारी बनाएगा। नगर निगम का आयुक्त रोशन सिंह जी ने इना वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी का बारे में हमारे बतायो। महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को है, बाबा महाकाल की नगरी है। इस बार हम लोगों को ये मौका मिल रहा है कि एक नया विश्व कीर्तिमान बनाएं हम लोग। इस बार हम लोग 21 लाख दिए जलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि एक विश्व कीर्तिमान हम लोग बना सकें। पिछली बार जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि शिप्रा नदी के तट पर 11 लाख दियों का रिकॉर्ड था हमारे शहर का, इस बार हम लोग उसको बढ़ा के 21 लाख टारगेट कर रहे हैं। जो दीपक जलाए जाते हैं उनको सर्टिफाई करने का काम जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जो एजेंसी है वो करती है, तो दीपक लगने के साथ साथ ही उनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी शुरू हो जाती है, जिससे कि वेरीफाई हो सके कि इतने दीपक लगे हैं। क्योंकि दीपकों को काउंट करना बहुत बड़ा है और मैनुअली काउंट होता है, वो ड्रोन और उसकी जो वीडियोग्राफी रहती है उसकी मदद लेते हैं, तो काउंटिंग का काम दीपक लगने के साथ ही शुरू हो जाता है। जब दीपक हमारे जल जाएंगे तो 20 मिनट तक दीपक जलते रहेंगे और फोटोग्राफी और ड्रोन शूट जो होता है उस समय होता है, उससे वेरीफाई करेगी एजेंसी कि सही में 21 लाख दिए जले हैं या 19 लाख जले हैं या 20 लाख जले हैं। बम्बई में बीबी को कत्ल करी के भाग तो फरी रहे एक अपराधी यहाँ नागदा पुलिस का हत्थे चढ़ी गयो। आरपीएफ का एक आरक्षक ने फोटो देखी के क्या बोल के लियो, अब भाई साहब बम्बई का लॉकअप में विराजेगा। ईस्ट बम्बई में रहवा वाला राजेश सारण कणी वजह से 4 दिन पड़ा अपनी घराली मेघाक मारी लाख्यो थो। इक्का बाद आई से वहीं पुलिस से भागता फिरी रहो। नागदा में एक रेल में आरपीएफ का जवान ने क्या उल्के लियो वहां धरी लियो, इक्का बम्बई की पुलिस का सुपुर्द कर दियो। अपना यहाँ भी है नी पुलिस वाला भाई उन हाथ करी का अलग अलग संगठन उनसे छेड़ कर लिया। पेड़ा करनी सेना वाला उनके साथ छेड़ा भी नया मामला आई गयो। चरक अस्पताल का कर्मचारी जितेंद्र तेंदुरिया जी को नागदा में घर है, काले भी कई काम से नागदा थाने गया, यहाँ एक पुलिस वाला भाई ने सुतड़ का उड़ाई दिया। घटना वहां नागदा में हुई ना माहौल यहाँ उज्जैन में गर्म हुई गयो। बुधवार राज्य कर्मचारी संघ का पदाधिकारी उन एसपी साहब का ऑफिस पहुंचिया, यहाँ एडिशनल एसपी का सामने अपनी बात रखी कि मारपीट करने वाला कर्मचारी का हटाओ ना जरूरी कार्रवाई करो। इनके घर पे पारिवारिक कार्यक्रम में ये घर पे रात में उपस्थित थे और वहाँ पर कुछ घटना हुई तो इनके घर सदस्यों को पुलिस थाने ले गई। उनका पता करने के लिए ये मंडी थाने नागदा गए और वहाँ पर पुलिस के द्वारा इनसे बिगर बताए इनके साथ मारपीट की गई और इनके साथ गाली गलौज की गई। इन्होंने ये बताया कि मैं स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हूँ, परंतु उन्होंने इनकी कोई बात नहीं सुनी और बिना किसी कारण के अकारण ही इनके साथ मारपीट की गई। गया दंड मालवी सेन समाज की धर्मशाला का महा सेन जयंती कार्यक्रम का लेकर सगली बैठक उनके सहयोग मीटिंग हुई और मीटिंग में महावीर जी सेन का आयोजन समिति को अध्यक्ष ने बसंत सेन जी सचिव बनाया। इसके अलावा जोन नंबर 3 का अध्यक्ष पार्षद सुशील जी श्रीवास के कार्यक्रम को संयोजक बनाया गया। 3 ही पदाधिकारी उनकी नियुक्ति के बाद आखा समाज वाला उन मलिक इनको स्वागत करो। सुशील को अपने हिट हो गए माला पहनने की। अब तराना में कोटवार भाई उन्होंने बुधवार अपनी समस्या सुलझा वास्ते आवाज उठाई। आखी तहसील का कोटवार उन मलिक बुधवार दफोरी में एडीएम का समय पहुंचा अपनी मांग उनसे संबंधित ज्ञापन सौंपियो। कोटवार उनको कहना है नरा गांव उनमें पंचायत में ठहराव करी कोटवार उनकी सेवा समाप्त करी जा रही है। कोटवार भाई उन चैरिया पंचायत उनने जो ठहराव कराया विंट के सबके निरस्त कराया जाए, जनी की सेवा जमीन पर कोटवार को नाम नहीं चढ़िया उनको नाम चढ़ाए, जिनकी जमीन से नाम हटे ही रहा वहां से नाम कदी नहीं हटाए, जिन कोटवार उनकी उम्र 60 साल हुई गई है उनको मानदेय तत्काल दियो जाए। मामा जी की सरकार की विकास यात्रा उनको गांव गांव में किस तरह स्वागत हुई रहो, इससे जुड़े 2-3 समाचार खबर दिखाई चुके हूँ। अब साजापुर का कुकड़ी गांव से भी कई नजारा उन आया। यहाँ पे भाजपा का जिला महामंत्री दिनेश शर्मा जी दूजा नेता उन पहुंचा,
तो गाम वाला उन अपना झोपड़ा दिखाई दिया, कह दियो के वोट लेता टेम तो हमारो नाम लिस्ट में जट ही जाए ना, जब आवास योजना को लाभ दिलाना हो तो हम लिस्ट में नाम ढूंढता फिरा, कहीं निगे नहीं आए गांव में, नहीं तो पेंशन मिले नहीं तो पक्को रोड बने, यो कसो विकास। हमारे पानी की व्यवस्था कहीं भी नहीं है यहाँ पे, ना कुटिया भी नहीं, कुटिया नाली गड़बड़ी, कुटिया भी नहीं है, नाली भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना लेटरिंग बाथरूम भी नहीं है, शमशान घाट भी नहीं है, हमारे कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो सबको बोलता नहीं आती है। हमारे गांव में अभी तक ना पट्टे की कोई सुविधा हुई है और ना कुटिया की कोई सुविधा हुई है, वो लेटरिन बाथरूम बनाया ऐसा बनाया कि कोई लेटरिन बाथरूम में लेटरिन नहीं जाते। हाँ वे मंडी का भाव देख ला, बुधवार उज्जैन मंडी में लोकवन का भाव 2099 से 2831 तक रिया, पूर्णा का भाव 2495 से 2603 तक रिया, पोषक 2125 से 2241 तक का भाव विकिया है, चना इटालियन का भाव 4471 ने चना देसी का भाव 4175 से लेके 4331 तक गया, काबली का दाम 5700 से 12000 तक रिया, चना शंकर का दाम 4451 से 4796 तक रिया है, रायड़ो 4540 से 5162, बटला 3000 से 4001, हरो मूंग 6400 का भाव गए, इक्का अलावा सोयाबीन का भाव 2417 से लाइक है 7330 तक गया है। आपने देखे आज को ये बुलेटिन, बुलेटिन आपके कैसे लगे हो बता दो जरूर, कल फिर हाजिर होऊंगा आपका सबका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके, मारे हेमंत सेन के दीजो इजाजत, जय रघुनाथ जी की। मेडिकल एंड जनरल स्टोर, हमारे यहाँ सभी प्रकार की होलसेल एंड रिटेल दवाएं उपलब्ध हैं।